हो सपनों का, एक महल हो सपनों का। और वो सफेद वाला वो जो सनत भैया ने किया था वो करके दिखाओ ना। अरे मैं क्यों दिखाऊं भाई, मुझे तो खड़े खड़े झूमना भी नहीं आता। और वो अपना मिनी एलिफेंट राजू कैसे हाथ और पैर पटक पटक कर डांस कर रहा था, कह रहा था अजगर डांस कर रहा हूँ। आई नो। और वो तुम्हारा और सोना का डांस, माय गॉड, भांगड़ा डांस, इट वाज ग्रेट। पता है विग और दाढ़ी मूछ लगाकर मेरी तो हालत बुरी हो गई थी। नाक में इतनी खुजली हो रही थी। पता नहीं मर्द लोग दाढ़ी मूछ कैसे रख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम वहाँ पार्टी में जासूसी करने क्यों आई थी? जासूसी करने? ऑफ कोर्स, तुम और सोना आई थी ना। अरे आए थे, लेकिन जासूसी करने आए थे वो किसने कहा? नहीं नहीं, कहा तो किसी ने नहीं, बस यूं ही पूछ रहा हूँ मैं। मुझे जासूसी करने की क्या जरूरत है, वो भी तुम्हारी? नहीं, तुम भेष बदल कर आई थी। अरे वो तो बैठे बैठे दिमाग में एक शरारत सूझी। बहुत दिनों से लाइफ में कोई एडवेंचर ही नहीं था, सोना भी परेशान थी, इसलिए हम लोग ने ये प्लान किया कि हम तुम मर्दों की पार्टी में ही आ जाते हैं, वो भी मर्द बनकर। वाह भाई वाह, क्या एडवेंचर था पारो, क्या एडवेंचर था, मानना पड़े। भाई हमारे घर की पार्टी थी इसलिए तुम दोनों बच गई, किसी और की पार्टी होती तो न जाने क्या से क्या हो जाता। दूसरों की पार्टी में मैं जाती क्यों, मेरा दिमाग खराब है क्या? हाँ ये बात भी सही है। और फिर मैं ही क्यों, बाबूजी भी तो गए थे पार्टी में भेष बदल कर। हाँ और चोर समझ कर पकड़ लिए गए थे। वो वहाँ किस एडवेंचर में आए थे? नहीं पारू, वो वहाँ चेक करने गए थे कि उनके बगैर हम पार्टी कैसे मनाते हैं। रियली वो ये जानते हैं कि उनकी प्रेजेंस में उनके बेटे बहुत दबे दबे से रहते हैं। हाँ पारू, बाबूजी इसलिए वहाँ गए थे। अच्छा मुझे एक बात बताओ पारू, उस वक्त पार्टी में जिस तरह अभय और बाबूजी एक दूसरे से मिले, जिस तरह एक दूसरे के साथ रहे, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे परिवार में बदलाव आएगा? क्या फिर से अच्छे दिन लौटने की उम्मीद है तुम्हें? मैं क्या जानू। क्यों, तुमने मुझे भगा जो दिया था पार्टी में से उस वक्त। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, आई एम सॉरी पारू, आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन यू नो उस वक्त वहां से तुम्हें भेजना मेरी मजबूरी थी पारू। आई नो, क्योंकि उस वक्त बाबूजी और अभय का एक दूसरे के प्रति जो रवैया था, जिस तरह वे दोनों एक दूसरे के करीब थे, मुझे लगा कि हमारे परिवार में खुशियों की बहार वापस लौट आएंगे। समीर ये शायद तुम्हारा भ्रम भी हो सकता है। मतलब ये कि बाबूजी ये चाहते हो कि अभय वापस लौट आए, पर अभय सिर्फ ये दिखावा कर रहा हो। लेकिन अभय ऐसा क्यों करेगा? मैंने ये तो नहीं कहा कि वो ऐसा कर रहा था, लेकिन उसकी कोई मजबूरी हो या फिर किसी और कारण। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि अभय परिवार में वापस आना चाहता हो, लेकिन बाबूजी ना चाहते हो इसलिए दिखावा कर रहे हैं। बाबूजी के बारे में ऐसा बोलना पारो। डोंट गेट एक्साइटेड समीर, मैं सिर्फ संभावनाओं की बात कर रही हूँ। वैसे मैं क्यों ये चाहूंगी कि हमारा परिवार बिखरा बिखरा सा रहे। अगर दूरियां कम हो सकती है, खुशियां वापस आ सकती है, तो किसे खुशी नहीं होगी? जरूर खुशी होगी, सबको खुशी होगी पारो। लेकिन उस वक्त पार्टी में मैंने अभय और बाबूजी को जिस तरह एक दूसरे के करीब देखा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने तुमसे ये पूछा। मैंने जो महसूस किया तुम्हें बता दिया। वैसे इसके बारे में कुछ भी डेफिनेट बताना शायद जल्दबाजी होगी, और वैसे अभय का रुख मुझे कुछ झुका झुका सा लगा। यानी उम्मीदें हैं? काश ये हकीकत हो। होगी होगी, जरूर होगी पर हकीकत जरूर होगी। गंगा देख मैं तेरे लिए क्या लाया, ये देख। क्या है ये? टमाटर से बनाया हुआ गुलाब का फूल, अच्छा लगा? बहुत सुंदर है। और तू मेरे लिए क्या लाई? ये कबाड़ी में से पुरानी सेंट की बोतल। लेकिन ये तो खाली है। तो तुम भरवा लेना। ठीक है, अब इसकी खुशबू मुझे रोज तेरी याद दिलाएगी। जमुना अब ये कितने दिनों तक चलता रहेगा, क्यों ना हम भाग चले। लेकिन कहाँ? वो रामू काका का गोदाम है ना। हाँ? जहाँ पे पुरानी गाड़ियाँ है। हाँ?
हम दोनों है ना वहाँ पे छुप जाएंगे। अच्छा वहाँ पे हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। अच्छा है ना? हाँ ठीक है, हम लिली को भी साथ ले चलेंगे। लिली को क्यों? अरे अब जब हम दोनों प्यार से खाना पकाएंगे तो कोई तो चाहिए कि नहीं बर्तन घिसने के लिए। तुम सचमुच बुद्धू हो। क्यों? वहाँ पे तो हम दोनों अकेले जाएंगे। हाँ? मैं और तुम। तुम मुझे देखना, मैं तुम्हें देखूंगी। जमना। हाँ? मुझे है ना, मुझे ये तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ऐसी क्या खास बात है मेरे चेहरे में? ये बोतल के ढक्कन जैसी तुम्हारी आंखें, ये पुरानी दबी हुई टूथपेस्ट जैसे तुम्हारे होठ, डब्बे के ढक्कन जैसे तुम्हारे गाल, और पुराने तेल के डब्बे जैसा तुम्हारा नाक, ये सब मेरे मन में समा गया है। सच? जमुना ये बोतल के चाराने तुम्हें ज्यादा नहीं लगते? नहीं, वैसे भी मेरे 600-700 रुपए का खर्चा बढ़ गया मैंने तुमसे मिलने के बाद। क्यों? अरे तुम्हारे लिए मुझे 3-4 कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल पीनी पड़ती है ना। क्यों? जब बोतल खाली होगी तो खाली बोतल लेने के लिए तुम आओगी ना। मैं तुम्हें इतनी अच्छी लगती हूँ तो क्या? मैंने तो इन बोतल के कंपनी वालों को खत भी लिख भेजा है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे गंगा मिली। एक कबाड़ी वाली। हा? मैं तुझे कितना पसंद हूँ? पता नहीं। ए बताना। नहीं। ए बताना डब्बा बाटली वाली। बताना ना। देख मैं रूठ जाऊंगा फिर भी नहीं बताऊंगी। तो मैं इस पेड़ पर चढ़कर कूद कर अपनी जान दे दूंगा। चढ़ जाओ। देख मैं चढ़ जाऊंगा। चढ़ जाओ। ठीक है मैं चढ़ता हूँ। अरे ना ना ना। गंगा में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। गंगा में कूद रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो? गंगा? कौन गंगा? नीचे उतरो और अपना काम करो। बच्चियां सो गई है, अब जाके आराम मिलेगा। हाँ पता है पारो, इस बार तो माँ मुझे आने ही नहीं दे रही थी। क्यों? रिद्धि सिद्धि से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया था। हाँ वो तो बहुत खुश होंगे ना। खुश? खुशी के मारे पागल हो गई थी वो। रिद्धि सिद्धि का पैदा होना उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। इसलिए आपको रोक लिया था ना। हाँ पारो। अच्छा भाभी ये तो बताओ मैके से क्या क्या लाए? अरे वो तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, तुम्हारे लिए भी माँ ने काफी कुछ भेजा है। हाँ? आओ दिखाती हूँ। नहीं अभी नहीं, पहले ये बताओ ज्योतिषी ने क्या कहा? कौन ज्योतिषी? वो ही जो आपके मैके में अक्सर आते रहते हैं। अच्छा वो शास्त्री जी? हाँ वो ही। हाँ आए थे घर पर, बच्चियों को देखा, उन्हें आशीर्वाद दिया और कुंडली वगैरह भी देखी थी उन्होंने। अच्छा क्या कहा? अब छोड़ो भी पारो, क्या बताऊं मैं तुम्हें? नहीं नहीं बताइए ना भाभी, ऐसे क्या करती हैं? पारो कुछ बातें उन्होंने ऐसी बेहुदे ढंग से, ऐसी बदतमीजी से कही कि मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था। क्या कहा उन्होंने? अरे मैं तो भूल ही गई थी, उस दिन वो पार्टी होनी थी, उसका क्या हुआ? भाभी हो गई। अच्छा कैसी रही, क्या क्या हुआ था? अरे ये पूछिए क्या क्या नहीं हुआ। अच्छा हाँ, इस परिवार के सारे मर्दों की छुपी हुई प्रतिभाएं फूट फूट कर बाहर निकल रही थी। अच्छा तो बताओ ना। बताने से वो मजा नहीं आएगा भाभी, और अगर मैं आपको बता भी दूँ ना तो आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे, आपको खुद को चलकर देखना चाहिए था। पारो कुछ तो बताओ ना। ओके ठीक है, मैं आपको पार्टी के फोटोग्राफ दिखाती हूँ, उसपे से आपको काफी अंदाजा आ जाएगा। ठीक है दिखाओ। नहीं लेकिन पहले आप मेरे लिए जो मैके से लाई है वो मुझे दिखाइए। चलिए कम ऑन इन। अच्छा ये बताइए इन दिनों हमारी याद आती थी? याद करके बता दूं ना। क्या? हाँ बल्कि पुराने दिनों की बहुत याद आती थी। स्कूल के दिन, कॉलेज के दिन, वो सारी गर्लफ्रेंड्स, वाह 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 वाह, वो भी दिन क्या दिन थे। ओए ओए। और इन दिनों जब तुम नहीं थी बहुत मजा आया। जानती हूँ मैं सब।
हमारे बिना इतनी बड़ी पार्टी भी कर ली। अरे और... पार्टी की बात छोड़, पार्टी में तो इतना मजा आया, इतना मजा आया, हद से ज्यादा पी भी। नहीं नहीं नहीं, जरा भी नहीं, मैंने तो एक थोड़ी बूंद चखी थी। मगर राजू राजू पी के दूध, अपना शेखर पी पी के ऐसे नाचता था, और समीर समीर की तो। अच्छा, लेकिन ना आई वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल। अच्छा अच्छा, तो फिर ये कौन है, ये जो सिर पे ग्लास लेकर नशे में धुत नाच रहा है? सच कहो बन्ना, तुम्हारी याद बहुत आती थी। चिंता अपने सर पर लेने वाली। हेलो, पार्वती स्पीकिंग। नमस्ते भाभी, मीनू बोल रही हूँ। ओह हाय मीनू, कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। अरे अभी कुछ देर पहले तुम्हें याद किया था, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। थैंक्स भाभी, मुझे भी आप सबकी बहुत याद आ रही थी, मन कर रहा था वहाँ आकर आप सबसे मिलूं। अरे तो आ जाओ ना। हाँ हाँ आ रही हूँ। अच्छा कब? आज शाम को, इसीलिए फोन किया था। बहुत अच्छा किया। हाँ भाभी, वहाँ आकर तुम सबके बीच रहना चाहती हूँ, यहाँ बहुत बोरियत महसूस हो रही है। अरे तो आ जाओ ना, मेरा भी दिल बहल जाएगा। अरे हाँ, तुम्हारा राजा बेटा कैसा है? मैं तो उसे जी भर के देख भी नहीं पाई हूँ, इतना मन करता है उसके साथ खेलने को। कम से कम उसकी आवाज तो सुना दो फोन पर। भाभी वो सो रहा है। ओ नो मीनू, तरसाना तो तुम खूब जानती हो। ओहो भाभी, आज शाम को आ रही हूँ ना, जी भर कर खेल लेना उसके साथ, बल्कि अपने पास ही रखना। वो तो रखूंगी। देखो मैं अभी से तुम्हारे और तुम्हारे लाडले के लिए तैयारियां शुरू कर देती हूँ। भाभी तैयारियों की क्या जरूरत है, मैं अपने ही घर आ रही हूँ, मेहमान थोड़ी ना हूँ। लेकिन फिर भी। ओहो भाभी, मैं सब कुछ साथ लेकर आ रही हूँ, डोंट बॉदर। ओके, लेकिन तुम जल्दी से निकल पड़ो, यहाँ ढेर सारी बातें करेंगे, खूब मजा करेंगे। हाँ हाँ, बाकी सब लोग कैसे हैं? सब ठीक है, अपने अपने काम में बिजी है। तुम आओगी ना तो वो लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन यार मीनू, मैं तो तुम्हारे लाडले को देखने के लिए पागल हुई जा रही हूँ, बस तुम जल्दी वहाँ से निकल पड़ो। अच्छा बाबा, निकलती हूँ, अब तो खुश? हाँ खुश हो। ठीक है भाभी, मैं फोन रखती हूँ। हाँ रखो, बाय, सी यू, टेक केयर, जल्दी से आ जाना। ओके बाय भाभी, सी यू। पारो भाभी को इतनी छटपटाहट की। कुछ तो बात जरूर है। ठीक है चलो जाकर देखते हैं। स्टूपिड, घर की याद आ रही है, सबको मिलने का मन हो रहा है। जैसे ही आएगी महारानी की तरह हुक्म शुरू कर देगी, ये करो वो मत करो, ये लाओ वो मत छुओ। और ऊपर से उसके लाडले की खातिरदारी करनी पड़ेगी वो अलग से। बैठे बिठाए मुसीबतें पड़ी। पन्ना भाभी, पारू भाभी, देखो कौन आया है। महारानी मीनू बहन की सवारी अपने बेटे शुभ के साथ। बादम बाबूलाल का होशियार। क्या बात कर रहे हो? अरे मीनू, हाँ मीनू, एक मिनट यहीं पे रुकना, एक मिनट में आप भी आई। मामियों से मिलेगा ये पारू मामी है। राइट लेग, यस, ओह जी जी, बाकी के सब लोग कहाँ हैं? सब लोग यहीं पे, तुम आओ तो सही। हमें पता ही नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगी। ओके भाभी, आओ चलो। अरे भाभी, अपनी डिलीवरी का किस्सा सुनोगी ना तो पागल हो जाओगी। अच्छा हाँ, क्या है किस्सा? पता है क्या हुआ, मेरा आठवां महीना चल रहा था, मैं आराम से अपने बिस्तर पे पड़ी थी, तब मेरी सास बिचारी दूध का ग्लास लेकर मेरे पास आई। मैं उनसे बात करने के लिए उठी रही थी और बाप रे, मुझे जो दर्द शुरू हुआ,
मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरी सास की हालत तो मुझसे भी बुरी हो गई थी। मेरी सास ने केतन को फोन किया, केतन आया बेचारा ऑफिस से भागा भागा। फिर मैं, केतन और मेरी सास, हम तीन अस्पताल गए। फिर क्या भाभी, डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और 5 मिनट में मुझसे कहा कि मीनू ये डिलीवरी का पेन नहीं है, ये तो कुछ और ही है। क्या? फिर क्या भाभी, अस्पताल वालों को परेशान किया, केतन को परेशान किया, मेरे सास ससुर की तो नींद हराम हो गई थी और बस बेवकूफ बनकर वापस आ गई घर भरे पेट। अरे उसकी बात का तो किस्सा और भी मजेदार है। अच्छा भाभी, अगली बार मुझे फिर से दर्द शुरू हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि ये तो पहले वाला ही दर्द है, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन केतन ने कहा कि अस्पताल जाने में हर्जी क्या है। मैंने केतन को कहा कि अस्पताल नहीं जाते, वहाँ मुफ्त में हल्ला मच जाता है कि बच्चा आने वाला है, बच्चा आने वाला है, लेकिन होता तो कुछ नहीं है। ये तो वही बात हुई ना भाभी, भेड़िया आने वाला है, भेड़िया आने वाला है। लेकिन मुझे क्या पता था कि इस बार भेड़िया सचमुच में आ जाएगा। भेड़िया आ जाएगा भाभी? शुभ बाहर आने के लिए हाथ पैर मार रहा था। ओ गॉड, अभी तुम विश्वास नहीं करोगी। हम अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और बस 5 मिनट में लेबर पेन शुरू हो गया। लेकिन थैंक गॉड, शुभ ने ज्यादा तकलीफ नहीं दी। हाँ, उसके पापा ने जरूर दी। कैसे? वो भी डिलीवरी रूम में था, मेरी एक चीख सुनकर वो तो बेहोश ही हो गया। बेहोश हो गए? अरे हाँ भाभी, ये मर्द होते हैं बड़े दमदार, कहते अपने आप को बड़े मैचो, लेकिन एक चीख सह नहीं कर सकते। शेखर का भी यही हाल है, जरा जरा सी बात पर घबरा जाते हैं। हाँ, जब कभी मैं कराने लगू तो उठकर बैठ जाते हैं और पूछने लगते हैं। रश्मि, रश्मि क्या हुआ? रश्मि तुम ठीक तो हो ना? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? रश्मि तुम ठीक हो ना? क्या हुआ रश्मि? अरे तुम्हारे सनत भैया भी इन दोनों से बिल्कुल कम नहीं है। अच्छा, अस्पताल में जब रिद्धि सिद्धि पैदा हुई ना, उनसे कहा गया अंदर जाकर उन्हें देख लो। अब वो अंदर आए, उन्हें पता नहीं था दो बेटियां हुई है। दोनों को देखकर वो खुद ही रोने लग गए। वो इतना जोर से रोने लग गए कि उनका रोना सुनकर बच्चियां भी रोने लग गए। सो स्वीट, कितनी प्यारी लगती है ना दोनों। दिखाइए मम्मी, दिखाइए। ये देखिए और ये देखिए, कितने प्यारे फोटोग्राफ्स हैं ना। इतने प्यारे सिद्धि अच्छी है कि सिद्धि? दोनों अच्छी है, दोनों बच्चे इतनी खूबसूरत है, बल्कि फोटोजेनिक भी है। इनके पास मॉडलिंग करवानी चाहिए। मॉडलिंग? हाँ, मैं एक मॉडल कोऑर्डिनेटर को जानती हूँ, उनको ये तस्वीरें भेज देंगे और एडवर्टाइजमेंट के लिए ट्राई करेंगे। ये क्या कह रही हैं आप? रिद्धि सिद्धि के पास मॉडलिंग करवाओगी? अभी तो दोनों कितनी छोटी हैं, उन्हें क्यों परेशान करना चाहती हैं आप? अरे इसमें परेशानी कैसी, इतना अच्छा काम है, कम काम और ऊपर से इतने ढेर सारे पैसे और नाम अलग से, और बच्चियां जब इतनी स्मार्ट और एक्टिव है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और पन्ना भाभी को कितनी खुशी होगी जब वो रिद्धि सिद्धि को एक्टिंग करते हुए देखेगी, है ना पन्ना भाभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विज्ञापनों में अपने बच्चों को हंसते खेलते बोलते देखकर सभी माँ बाप खुश हो जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इतनी नाजुक उम्र में उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। नहीं भाभी, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये सब किसने कहा आपको? किसी ने नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ। तो गलत सुना है। ये कैसे कह सकती हैं आप? क्योंकि मैं एक्ट्रेस रह चुकी हूँ, शूटिंग क्या होता है, एक्ट्रेस को क्या करना पड़ता है, ये सब मैंने देखा ही नहीं बल्कि मैंने किया भी है। आप बच्ची नहीं है, आप बड़ी है, समझदार है, इसलिए आप कर सकती है, रिद्धि सिद्धि नहीं कर सकती। पन्ना भाभी आप ही समझाइए ना। अरे वो क्या समझाएगी मुझे? और आप बच्चियों को मॉडलिंग क्यों कराना चाहती है? ये बात आपके दिमाग में आई कैसे? अभी तो उन बच्चियों ने घर की दुनिया को ठीक से देखा नहीं है, आप उन्हें मॉडलिंग की दुनिया में क्यों झोंकना चाहती हैं? ठीक है रश्मि, बस हो गया, अब शांत भी हो जाओ। अब तुम दोनों को इस मामले में बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब रिद्धि सिद्धि के फोटोग्राफ देखकर पारो को लगा कि वो दोनों मॉडलिंग के लिए ठीक है, और तुमने भी अपनी बात अपने नजरिए से कही। अब और इस मामले में बहस करने की कोई जरूरत नहीं। जब रिद्धि सिद्धि बड़ी हो जाएंगी, समझदार हो जाएंगी, उनसे ही पूछ लेंगे वो क्या करना चाहती हैं। ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बेस्ट आइडिया। अब इसी क्या हुआ? वही शूटिंग की भाषा में कहते हैं ना, कट इट एंड पैक अप।